अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी आइसलैंड में मौजूद हूँ और हमने भी सुना है कि आइसलैंड बड़ा एक्सपेंस है, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को इनका जो ग्रासरी जो सुपर स्टोर है उनका विज़िट कराऊँ कि ये रियली में वाकई एक्सपेंसिव है या नहीं है। यहाँ पर मेन जो सुपर स्टोर होते हैं, तीन सुपर स्टोर होते हैं, तीन किस्म के। एक का नाम होता है बोनस और दूसरा का नाम है आई थिंक कोनन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और तीसरी का नाम है वो नीटो के नाम से याद किया जाता है। और इसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो बोनस है वो दोस्त कह रहा था कि सबसे चीपेस्ट है, तो अभी हम जाते हैं बोनस जो कि यहाँ का सुपर स्टोर है और वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इवन पाकिस्तान इंडिया में यूज़ करते हैं उनको देखेंगे कि उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो चले आए और चल के देखते हैं। तो गाइस, ये है बोनस वाला शॉप, तो ये है सुपर स्टोर, इसके अंदर जाते हैं देखते हैं क्या सीन है। तो सबसे पहले गाइस ये चॉकलेट आ जाते हैं, तो ये आप देख ले, ये 139 करोन का है आई गेस, एक जो चॉकलेट है 139 करोन का है, 139 करोन या इसकी प्राइस देख ले। बाकी यहाँ पे किस्म के टोस्ट और ब्रेड और इनकी प्राइसेस भी यहाँ पे मेंशन हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये गाइस केला 319 करोन पर केजी, ये केले लगे हुए हैं 319 करोन। तो गाइस ये है टोटीला की प्राइस यहाँ पे, बाकी उधर हम पोलैंड में यूज़ करते थे, आई थिंक 6 रुपीस है टोटीला और इसकी प्राइस है 269 करोन, और इसका जो पीएलएन में और पाकिस्तानी रुपये में इसकी प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और फिर खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। बाकी ये एक और किस्म की टोटीला है, इसकी प्राइस है 395 करोन। यहाँ पर कुछ स्पाइसिस वगैरह हैं, चिली पाउडर 198, और ये भी कोई और धनिया वगैरह आई गेस हो, तो ये इनकी प्राइसेस है 199, 229। अच्छा ये जो है ओरियो, इसकी कीमत है 209 करोन, और ये देखिए ये लेकिन एक पैकेट कीमत होगी। तो गाइस ये देखें, ये चिक पीस और इसकी कीमत है 139 करोन, और ये है लोबिया रेड बीन्स और इसकी कीमत है 149 इस बॉक्स की, और ये 400 ग्राम आई थिंक 149 का है। ये कुछ टोमेटो पेस्ट हैं और इनकी प्राइस 139, 169, 189 मुख्तलिफ ब्रांड के आपकी मिलेंगी। जो हम यूज़ करते थे उधर पोलैंड में 195 है इसकी। ये है एक सनफ्लावर ऑयल की बोतल 1 लीटर की, और इसकी कीमत है 479, और ये ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल 1 लीटर की 1400 टन में, और ये दूसरी किस्म की 1279। ये है बर्तन धोने वाला जो डिश वॉशर है, डिश वॉश के लिए हम यूज़ कर लिक्विड 587, 587। ये जो एरियल पाउडर है इसकी लाइक जो हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसकी कीमत है प्राइस है 2398 करोन। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको फ्रीज़र फ्रीज हुए हुए स्टफ़ मिलेगा, ये काफ़ी ठंडा है, ये बंद भी होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ स्टफ़ रखा हुआ है और गोश वगैरह। ये है आई थिंक चिकन के कुछ 4 पीसेस और 1 kg 1275 का मिल रहा है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं,
तो गाइस ये है दूध आई गेस 1 लीटर, आप देख सकते हैं लैक्टोज फ्री लो फैट मिल्क, और इसकी प्राइस है 287 करोन पर लीटर। और इसमें भी आई थिंक मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, और इसकी है 198 करोन 1 लीटर। और इसके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आई थिंक ये योगर्ट होगा या मिल्क है, इसकी है 558। तो ये है सेमी स्किम्ड मिल्क, ये इसकी प्राइस है 212 करोन पर लीटर। और ये है योगर्ट 197, और मुख्तलिफ उसके योगर्ट। अभी ये जो है 500 ग्राम योगर्ट, आई थिंक ये 779 का है ये जो योगर्ट है। तो गैस ये है आई थिंक मल्टी का जूस 1.5 लीटर, और इसकी प्राइस है 219। ये आई थिंक एक और जूस है 1 लीटर, इसमें और इसकी प्राइस ही मेंशन हुई है। तो गैस ये जो है वीट फ्लोर 2 kg का, 2 kg आपको मिलेगा 291 करोन का, जिसे हम आटा कहते हैं। आटा आपको मिलेगा 2 kg 297 करोन का। और चीनी जो है 1 किलो की चीनी आपको मिलेगी 188 1 किलोग्राम की चीनी, इसमें भी शायद मुख्तलिफ किस्म की होंगी, और ये 269 की। ये है शुगर, ग्रेनुलेटेड शुगर। तो गैस ये है काजू, और काजू की प्राइस है 549 150 ग्राम की। और ये है जो वॉलनट है आई गेस, इसकी प्राइस 359, खजूर 349, इसकी बादाम की कीमत 798 है। तो ये मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट की कीमत है। ये एक और किस्म की केशू नट है, 250 ग्राम आपको मिलेंगे 498 करोन के। और ये एप्रिकोट 469 करोन 250 ग्राम, ये ड्राई फ्रूट की रेट्स है। ये है वॉलनट, और इसकी है 459 300 ग्राम। ये है गाइस मूंगफली, और 300 ग्राम आपको मिलेंगे 289 करोन के मूंगफली साल्टेड। तो गाइस ये है सब्जियों और फलों का पोर्शन, और इसमें माल्टे देखे, माल्टे 347 किलोग्राम है माल्टे ये वाला, और ये 262 का है। मुख्तलिफ उसके किस्म के इसमें आपको मिलेंगे। लेमन आप देख लें, ये है लेमन की प्राइस 14645 लेमन की। और ये है एवोकाडो, एवोकाडो एवोकाडो भी फ्रूट है 1198 केजी का आपको मिलेगा इस, ये 300 ग्राम आपको 488 का मिलेगा। और ये है पाइन एप्पल, जिसकी प्राइस है 427 और 489, इसमें आई थिंक कुछ वो नंबर होगा, तो ये इसकी प्राइस है। बाकी ये है आम, पाकिस्तान में तो ज़्यादा मशहूर है, 597 करोन इसका वो है मैंगो पेरो, इसकी प्राइस है आई थिंक दूसरा वो अलग ब्रांड है हॉलैंड से 337। और ये है सेब, सेब की प्राइस क्या है, सेब की प्राइस ये मेंशन हुई है 298 450 ग्राम सेब ये वाली, और ये 298। तो ये मुख्तलिफ उसकी प्राइस है। स्ट्रॉबेरी की प्राइस है 949 500 ग्राम। ये मुख्तलिफ एप्पल्स आपको मिलेंगे, ये 700 ग्राम, और यहाँ पे इनकी रेट मेंशन हुई है सारे। ये है एप्पल्स, ये है बैंगन की कीमत ये देखें, और तोरी की कीमत आप देख लें, और ये है प्याज आगे कितने की है 259 500 ग्राम आई गेस। तो ये है इसकी कीमत। ये है आलू, आलू की प्राइस है 388 करोन
पर केजी ये आलू की प्राइस है। टमाटर कितने के? टमाटर ये वाले टमाटर 448 पर केजी, ये 535, और ये वाले 498 में कोरोना को मिलेंगे। जिस 200 ग्राम हमसे यहाँ पे लेता है, तो ये है इनकी कीमत, आप अंदाज़ा कर लें। तो गाइस ये है एग और इसकी ये प्राइस मेंशन हुई यहाँ पे, आप देख लें 600 ग्राम, ये इनकी मुख्तलिफ प्राइजेज है और इस पर ग्राम भी लिखा है, तो ये उसकी प्राइजेज उसके मुनासिब वर्ष है। आप देख लें ये गाइस ड्रिंक की कीमत है 182, 500 मिलीटर ज़ीरो आपको मिलेगा कोक, 182 कोरोन का 500 मिलीटर लाइट, और ये स्प्राइट 164 का 500 मिलीलीटर, ज़रा फेंट 182 का, तो ये मुख्तलिफ उसकी प्राइजेज हैं। तो गाइस ये था इस ग्रॉसरी स्टोर के हवाले से व्लॉग, और मैंने कोशिश की कि ज़्यादा चीज़ें की मैं प्राइस बता दूं, और इसकी डिटेल भी आपने देख ली कि कितने कोरोन की पड़ती है और कितने में इसके PLN में इसकी क्या कीमत है, और पाकिस्तानी रुपीस और बाकी जो करेंसी उसमें क्या रेट्स हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि ये जो आइसलैंड है रेकोविक कितना एक्सपेंसिव है, और आप खुद ही इससे अंदाज़ा कर लें कि ये जो हैं ये इनका वन ऑफ द चीपेस्ट आप कह सकते हैं कि ग्रॉसरी स्टोर है बोनस के नाम से, बाकी तो इससे भी महंगे हैं। बोनस सबसे चीप है, फिर उसके बाद कोनन है या उस तरह एक और वो ग्रॉसरी स्टोर है, नाम शायद मैं गलत ले रहा हूँ, और इसके साथ जो तीसरा वो है नेटो, वो कह रहा है कि सबसे एक्सपेंसिव है। तो ये देखिए इनका सबसे जो चीपेस्ट वो है ग्रॉसरी स्टोर है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को कुछ अभी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अगर कोई नया आइसलैंड में आने वाला हो तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है मुफीद साबित होगी, और अगर कोई जानना चाहता हो कि आइसलैंड और रेकोविक जो सिटी है वो कितनी एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए ये व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। तो गाइस मुझे मोटिवेशन के लिए, मुझे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ गाइस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए काशिफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़।